Good morning, students. Take out your SST book, one rough copy with you, and take out your pencil box. Are you ready, kids? Okay, very good. Today we will revise chapter 15 worksheet. Okay, are you ready? अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कि मैम बार बार वही चीज कहती है, लिखो लिखो लिखो. क्यों? हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के याद करेंगे ना अगर हम, तो हमको वो चीजें एकदम, एक तो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरे हमको बार बार लिखने से वो क्वेश्चन आंसर है, वो एक्सरसाइज है, जो भी वट एवर राइट कर रहे हैं, वो हमको अच्छे से लर्न हो जाएगा, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, तो तब हमारे एग्जाम्स में नंबर कैसे आएंगे? अच्छे आएंगे. आप सब अच्छे नंबर पाना चाहते हैं ना, चाहते हैं ना? तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ जब मैं रीडिंग करवाती हूँ तो आप बोल बोल के रीडिंग करिए मेरे साथ, ओके? और जब मैं लिखने को कहती हूँ तो आप यहाँ पे जो कुछ भी मैं लिखती हूँ उसको आप अपनी रिविजन करा रही हूँ, तो रिविजन कॉपी में आप उसको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करिए. और अगर अभी आप जल्दी जल्दी लिख रहे फिर उसको दोबारा लिखिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ में, हम उतने ही ज़्यादा अभ्यस्त निपुण होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे. आपको गेम्स खेलना पसंद है ना, तो आप क्या, आपको आपको गेम्स में आप डेली डेली कोई गेम करिए, देखिए आप उसमें अच्छे हो जाएंगे. जैसे आपको क्रिकेट खेलना अच्छा है, शुरू में किसी को कोई काम नहीं आता है, फिर हम धीरे धीरे क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी क्रिकेट में हमारी बॉलिंग है, हमारे बैटिंग अच्छी होती जाएगी. फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में, इंडोर गेम कर रहे हैं तो इंडोर में, और भी. और ड्राइंग में अगर आपको मैंगो बनाना नहीं आता है, आप डेली डेली मैंगो बनाने की प्रैक्टिस करिए. देखिए मैंगो ड्रॉ करिए अपनी रफ कॉपी में और ड्राइंग कॉपी में, देखिए आप सुंदर बनाने लगेंगे, करने लगते हैं ना. तो उसी तरह जब हम पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेके डेली डेली, अगर जो भी मैम आपको पढ़ानी है एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली माई सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ. जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर वो रीडिंग करवा रहा है तो आप उनके साथ रीडिंग करिए. जब आप डेली डेली बुक रीडिंग करेंगे ना, तो आपकी रीडिंग अपने आप डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी. ओके, अंडरस्टैंड? आई होप आप सब अब मेरी बात मानेंगे और डेली डेली लर्न करेंगे. लर्न करने का ट्रिक यही है, आप लर्न करिए, रफ कॉपी में लिखिए, फिर गलती होती है फिर लर्न करिए फिर लिखिए, और तब तक लिखिए जब तक कि आपका आंसर एकदम करेक्ट ना हो जाए. अंडरस्टैंड? तो आप सब आज से अच्छे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई को मन लगा के करेंगे. चलिए, टुडे वी विल राइट क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट. हम रफ कॉपी में इसको अभी लिखेंगे, लर्न करेंगे, और फिर आप लिखेंगे. जरूरी नहीं कि मैम ने एक ही बार लिखवा दे, जब तक आपको याद नहीं होता तब तक लिखना है. ठीक है, वेरी गुड. चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, आई नो. क्वेश्चन नंबर 1 एंड डू इन गुड हैंड राइटिंग. कैसी हैंड राइटिंग में हम लिखेंगे? साफ और सुंदर. जब हैंड राइटिंग पे मार्क्स रहते हैं एग्जाम्स में, पता है ना? वेयर डे, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर मीन्स कहा, टी आई डी डेट, अर्ली, ह्यूमंस लीव, क्वेश्चन मार्क. वेयर डेट अर्ली ह्यूमंस लीव, अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे? आई टोल्ड यू. क्या उनके पास हमारे जैसे पक्का हाउस था, फ्लैट्स में रहते थे? नो. कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट, केव्स और ऑन ट्री टॉप्स. राइट आंसर, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन, एल आई वी ई डी, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन केव्स, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और ऑन ट्री टॉप्स. कहाँ रहते थे? केव में, ओके, और फॉरेस्ट और ऑन ट्री टॉप्स, या पेड़ के ऊपर रहते थे जैसे मंकी रहता है. ओके,
आप ही रहते हैं क्या पेड़ के ऊपर? यस नो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. ओके स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑल ऑफ यू स्पीक विथ मी आंसर. अर्ली ह्यूमंस लिव इन केव्स फॉरेस्ट और ऑन ट्री टॉप्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड अर्ली ह्यूमंस ईट. अर्ली ह्यूमंस क्या खाते थे? राइट क्वेश्चन व्हाट डिड अर्ली ह्यूमंस ईट. पुट क्वेश्चन मार्क. जब हम क्वेश्चन लिखते हैं ना स्टूडेंट्स देन पुट क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जब हम क्वेश्चन कहीं से क्वेश्चन वाला सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड व्हेन यू राइट आंसर देन राइट फुल देन डू पुट फुल स्टॉप. ओके सॉरी देन पुट फुल स्टॉप आफ्टर द सेंटेंस. ओके व्हाट डिड अर्ली ह्यूमंस ईट. कम ऑन टेल मी. पिज्जा आइसक्रीम चॉकलेट्स. नो देन व्हाट इज द आंसर. आई नो ऑल ऑफ यू नो द आंसर. फ्रूट्स वेरी गुड. रूट्स वेरी गुड. एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स सो रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स. ओके राइट आंसर दे एट. दे एट रूट्स ऑफ plants and fruits. Full stop. They also ate raw flesh of animals. Full stop. Okay. So, all of you speak with me. अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे. They ate roots of plants and fruits. They also ate raw flesh of animals. Okay. And learn with spelling. क्योंकि अगर exams में question answer आते हैं और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है फिर अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो आपके मार्क्स क्या होंगे? कट जाएंगे. नंबर फुल मार्क्स अगर आप चाहते हैं इफ यू वांट फुल मार्क्स देन डू इन गुड हैंडराइटिंग एंड ऑल स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. सारे स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए तभी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स वरना नहीं मिलेंगे. अगर एक भी स्पेलिंग गलती किया तो नंबर कट जाएगा. अंडरस्टैंड? तो आप लर्न करेंगे विथ स्पेलिंग और आप इसको रफ कॉपी में लिखिए याद करिए. चलिए वेयर डिड अर्ली ह्यूमंस लिव. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन कम ऑन टेल मी केव्स फॉरेस्ट और ऑन ट्री टॉप्स. वेरी गुड. वेयर डिड व्हाट डिड अर्ली ह्यूमंस ईट. They ate, yes, come on, tell me, roots of plants, very good, and fruits. They also ate, yes, come on, tell me, raw flesh of animals, okay. All of you write question answer in your rough copy and learn it. Okay, true, false. Take out your book, page number 64. हम पेज नंबर 64 से क्या करेंगे ट्रू फॉल्स रीड एंड लर्न करेंगे. ओके नो ये आपका होमवर्क है. आपको ट्रू फॉल्स क्या करना है रफ कॉपी में लिखना है. अभी हम यहाँ क्लास में क्या करेंगे केवल हम इसको रीड करेंगे. ओके सो टेक आउट योर बुक. हैव यू डन दिस. आपने ये कर लिया? नो रूफा.
फर्स्ट ओके। और ये आप ऑलरेडी अपनी एसएसटी फेयर कॉपी में कर चुके हैं जब मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया था, आपको याद होगा। अपनी एसएसटी कॉपी खोलिएगा, उसमें चैप्टर 15 क्वेश्चन आंसर आपका हो चुका है। आप अपनी एसएसटी कॉपी से वॉट एवर यू राइट इन योर एसएसटी कॉपी प्लीज लर्न इट ओके किड्स। जो भी एसएसटी की फेयर कॉपी में क्वेश्चन आंसर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, और किसी किसी चैप्टर्स में नहीं दिया तो मैंने दिया, तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। और बुक एक्सरसाइजेस कैसे लर्न करने हैं? बुक से ओके। बुक एक्सरसाइज आपको फेयर कॉपी में नहीं करना, आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। अगर आपने गलती से कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से मत करिएगा। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो कोई बात नहीं है, नो नीड टू कन्फ्यूज। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं ओके। अगर आपको कोई भी किसी को कोई भी परेशानी है, किसी चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है, तो आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं ओके। राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। वन नंबर, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव, इट इज ट्रू और फॉल्स? अर्ली ह्यूमंस केव्स में रहते थे और फ्लैट्स में रहते थे? यस, केव्स में। वेरी गुड, यस। वन नंबर ट्रू। टू नंबर, सेकंड, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड गन्स टू किल एनिमल्स। वो गन यूज करते थे एनिमल्स को मारने के लिए? उनके पास बंदूक थी, गन थी? नो, क्या था उनके पास? स्टोन टूल। सो सेकेंड नंबर इज फॉल्स। थर्ड, अर्ली ह्यूमंस एट डिलीशियस फूड। क्या वो डिलीशियस फूड खाते थे, कुक्ड फूड खाते थे? वो हमारी तरह डिलीशियस फूड खाते थे? पिज्जा, आइसक्रीम, चॉकलेट आपकी तरह खाते थे? चिप्स, बर्गर, हाँ आप खाते हैं ना, पर डेली डेली फास्ट फूड नहीं खाना है, मैंने बोला है आपको ओके। इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। थ्री, थर्ड नंबर इज फॉल्स। अर्ली ह्यूमंस रोम्ड अबाउट फूड। वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे? यस। फोर्थ नंबर इज ट्रू। अर्ली ह्यूमंस हैड हार्ड लाइफ। उनकी लाइफ हार्ड थी? कम ऑन टेल मी। यस ओके। वन सेकेंड, वी विल रिवाइज ट्रू फॉल्स। पुट फिंगर ऑन योर बुक। अर्ली ह्यूमंस lived in caves, true. Early humans used guns to kill animals, false. Third, early humans ate delicious food, false. Early humans roamed about food, yes, true. Early humans had a hard life, true. Okay, now it's time. Now, okay, note down your homework. Do worksheet 15 in your rough copy, exercise A and B, both exercise. आपको क्या करना है? Rough copy में लिखना है और learn करना है, okay? चलिए, now it's time to leave. Stay home, stay safe. Thank you. Bye-bye.